तो दोस्तों हमारे हाथ थक चुके थे, तो फिर हमने सोचा कि लेबर को क्यों ना हायर करा जाए। नहीं कर रहा, हटा इसको वीडियो को। हेलो दोस्तों, क्या हाल है मेरे सभी प्यारे कबूतरबाज भाइयों के। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे कबूतरबाज भाई लोग बढ़िया होंगे और आपकी कबूतरबाजी बढ़िया मस्त चल जाएगी। भाई कितनी बार मैंने बोला, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दो, उस वीडियो को अभी से लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले कि जैसे कि मैंने आपको अपने स्टोरीज के थ्रू बताया था, यूट्यूब पर मैं स्टोरीज वगैरह लगाते रहता हूँ, कि भाई हमने जो पहले जाल लगाया था ना, तो उससे हमारा पेट भर नहीं रहा। तो हमें क्या करना है ना कि ये पूरी छत पर ना, पूरी छत का मतलब समझ रहे हो, यहाँ से ले कर और पूरा यहाँ तक, यहाँ पूरा हमें पूरी छत पे जाल लगाना है। तो आज की वीडियो में आपको जाल देखने को मिलेगा। फटाफट से इमरजेंसी में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि रात हो जाएगी तो फिर थोड़ा मज़ा सा नहीं आएगा। तो अभी हमारे पास दो जाल हैं, ठीक है, ऊपर लग सकता है और एक साइड में लग सकता है, इस साइड का और ख़रीद के लाना है। मैं आपको पूरा बजट बता दूंगा, कितने का जाल लाए कैसे लगा, ठीक है, सब आपको बताऊंगा। तो अंधेरा होने वाला, अंधेरे में जाल लगाएंगे, ऐसे दोपहर में लगाते और अच्छा नहीं लगता, लोग देखेंगे बोले क्या कर रहे हैं भाई, खुर्राफाती कुछ ना कुछ वैसे भी हम करते रहते हैं। तो जाल लगाएंगे हम रात को बिल्कुल छुपे रुस्तम की तरह, पता नहीं रात को आपको अच्छे से दिखे ना दिखे। तो जाल हमारे पास आ चुके हैं, पहले वाला मैं जो जाल लाया था 380 रुपये का था, अभी मैं एक 280 रुपये का जाल लेके आया हूँ, और वही 280 वाला एक और लेके आना है। 280 वाला पहले वाले से मस्त है। तो तीन जाल लाने टोटल, सस्ते में मतलब सस्ते बजट में अपना काम हो गया। मतलब मैं तो सोच रहा था कि महंगा मिलेगा, लेकिन सस्ते में अपने को जाल मिल गया। तो हमें करना कुछ नहीं है, देखो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर हमें कील ठोकनी इस कोने में, ठीक है, और उस कोने में कील ठोकनी, इसमें जाल बांध देना है, और यहाँ पे एक बांस खड़ा करना है हमें, ठीक है, और यहाँ पे एक बाल्टी में मिट्टी डाल के, और यहाँ पे भी एक बांस खड़ा करेंगे, और फिर अपना पूरा नेट लगा देंगे, फिर तगड़ी तगड़ी वीडियोस बनाएंगे। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, सभी कबूतरबाज भाइयों में वीडियो शेयर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना हमारी जाल वाली वीडियो कैसी लगी, हमने कैसा जाल लगाया कैसा नहीं, ठीक है। तो लगाना स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा थोड़ा कार्यक्रम चलते रहेगा और आपको पता लगते रहेगा। ओके, तो दोस्तों अब हो चुकी है रात, और हमारा कार्यक्रम कहाँ तक पहुँचा है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये एक बांस है जो हमने लगा दिया, ये देखो येरा बड़ी मशक्क़तों से बांधा है, और बांधने के बाद पता लगा कि इसे वापस उतारना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, फिर उतने ऊपर जाके नेट कैसे लगाएंगे। तो एक बांस हमने यहाँ पे लगा दिया है, और एक बांस ये वाला जो है, ये वाला जो बांस है, ये वाला बांस यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे इस जगह पे ये वाला बांस लगेगा, और ऐसे ही खड़ा हो जाएगा, और लगेगा किस पे, ये जो ड्रम दिख रहा है जिस पे बैठे हुए हैं, इसके अंदर भरेंगे रेत, ये इसके अंदर बदरपुर, और इसके अंदर भर के फिर इसको उसके अंदर गाड़ेंगे और फिर यहाँ पे लगाएंगे। तो अभी लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, जब तक आप हमारे साथ बने रहें। चलो भाई, चलो 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 चलो, तो हट जाओ भाई, अब ढोलक का काम खत्म हो चुका है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आपको ढोलक कैसा लगा, और भी सुनना होगा अगले बाकी आगे की वीडियोस में, तो भाई बता देना, इसे सीधा कर दो भाई। तो ये ढोलक भी है, सारे काम इससे हो जा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या करना है ना हमें, कि इसके अंदर वो भर देना बदरपुर, इस कट्टे में रखा हुआ है, हटा दे भाई, हटा 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 हटा, तो इस कट्टे में रखा हुआ है, ठीक है, वो बदरपुर जो है ना इसके अंदर भरेंगे, और इसके अंदर ये लठ जो है ना, लठ दिखाओ, लठ दिखाओ, ये वाली जो लठ है, मेरी लठ, ये वाली लठ जो है इसके अंदर गाड़ेंगे, और फिर इसके अंदर लठ सीधी किस तरफ से, सीधी किस तरफ से, गाड़ो गाड़ो इसको, बीच में डालो, इसके अंदर बीच में डालो, भरो भाई, भाई इसके अंदर भर, अबे इधर आके भर ले भाई, तू कौन उठाएगा इतना भारी, भरो भरो, अरे भरो ना, खिसक जाएगा, पहले भरो तो। आराम से भाई, इज्जत से, हाथ से कर, हाथ से करो भाई इसे। तो कुछ इस प्रकार से भरेंगे जब जाके ये डंडा है,
ऐसे सेट होगा और एक डंडा तो यहाँ पे लगा ही हुआ है, ठीक है। और भाई एक डंडा लग जाएगा तो कहानी फिट हो जाएगी। और भाई सभी भर दो, धीरे थोड़ा थोड़ा। अरे रे 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 रे, अब भाई वीडियो में तो अब ज्यादा नहीं, पूरा नहीं भरना। अब पागल है क्या, थोड़ा सा ही भरना है। बस पब्लिक बहुत है, ले गया ले गया ले गया ले गया ले गया, डाल ला इसको पूरा भर दे। बस कुछ इस प्रकार से। हाथ हाथ कैसे हो गए भाई, हाथ बड़े मस्त लग रहे हैं। यस हिल रहा है, देख डंडा हिल रहा है। अरे यार डंडा, अरे क्यों हिला रहा है भाई, अभी देखते कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते हैं। ये डंडा तो भाई हमारा लग गया, अभी इसको टाइट करना है, देखते कैसे टाइट होता है। ये ऐसे होगा टाइट, पूछना पड़ेगा इसको भाई लकड़ी से। चलो भाई करते हैं फिर, देखते कैसे क्या होता है। ओके तो दोस्तों आज है नेक्स्ट डे और देखो हमारा इतना जो है नेट लग चुका है, देखो इतना नेट जो है लग चुका है। और कल पता है क्या सीन हुआ था, हम नेट लेने गए थे, देखो ये वाला तो हमारा पुराना वाला नेट है और ये जो है ना नेट ये नया वाला है। तो हम कल जब लेने गए थे ना नेट, तो हमें देखो कितना सा लग रहा है पैकेट में, देख रहे हो कितना पिद्दा सा लग रहा है। और शॉपकीपर ने बोला था कि एक बार ये खुल जाएगा तो वापस नहीं होगा, मैंने बताया ये दो गांठ खोलेंगे और उसके बाद वापस नहीं होगा नेट, ये क्या सीन है। तो फिर हमने एक लिया ऐसे चेक करने के लिए, ठीक है, हमने पेमेंट कर दिया और एक लिया, हमने बोला चलो खोल के देखते छोटा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने इसीलिए एक लिया, वरना हम दो लेके आते। फिर कल रात को भी मैं गया था तो दुकान बंद थी, तो ये जो है हमारा नया वाला ऊपर लगा दिया हमने, बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके लगाया, यहाँ से थोड़ा खींच के लगाना पड़ा। और ये वाला अभी अभी जस्ट नया हम नेट ले गया है, इसका साइज़ देख लो आप, मतलब ऐसे 15 फुट है और ऐसे 10 फुट है। खोलो भाई से खोलो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो पैकेट में कितना छोटा सा लग रहा है और हकीकत में बहुत बड़ा है ये, इसे खोल के दिखाओ। देखो अरे 280 रुपये का सिर्फ, खोलना इसे एक बार दोनों बंदे वैसे पकड़ के, उलझ जाएगा उलझेगा कुछ ना यार, मस्त नया नया चिकना चिकना लग रहा है, लेकिन भाई कुछ दिनों में गंदा हो जाएगा, मतलब धूल वूल लग के। देखो कितना बड़ा नेट है, मैं तो सोच रहा था चांदनी चौक जाऊंगा वहाँ से नेट लेके आऊँगा, सही हुआ मेरी सर दर्दी ख़त्म होगी, इतना दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। ये देखो भाई नेट देख रहे हो, अब बस इस साइड लगाना है हमें और फिर हम अपना आराम से कबूतर खोलेंगे और पूरी जनवरी ये नेट लगा रहेगा। अभी से सीधा फरवरी में हटाऊँ क्योंकि भाई अंदर वाले कबूतरों की हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि उनको धूप वगैरह मिलती नहीं, वो ऐसे ही मर जाएंगे अंदर रह रहे, तो उनको धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो अब बाहर कबूतर खोलेंगे हम, जैसे नॉर्मल कबूतरबाज खोलते हैं ना वैसे, ऐसे भी हम खोल सकते हैं लेकिन पता है आपको कबूतर इधर उधर कूदेंगे और कबूतरों को कैच मारनी पड़ेगी, जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो देखो ये रहा हमारा नेट, ठीक है, और अब इसे फटाफट इधर लगाना चालू करते हैं, ठीक है, और फिर आपको लगा के दिखाते हैं। अभी ये मतलब ये भी वो करना, ठोकना इसे और जो भी है जैसा भी आपको फटाफट दिखाते हैं हम लगा के, ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों हमारे हाथ थक चुके थे तो फिर हमने सोचा कि लेबर को क्यों ना हायर करा जाए। कर रहा हटा इसको वीडियो को। क्या हुआ भाई, भाई ये मत कर यार, काट। चल कोई नहीं भाई, लेबर नहीं सुपरस्टार को हमने एक हायर करा है नेट बांधने के लिए स्पेशली। ये देखिए ये देख लो भाई, कुछ इस प्रकार से बन रहा है, सब कुछ उल्ट पुल्ट कर दिया हमने, कर रहे हैं लेकिन जैसे तैसे। बांध 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 बांधो फुल रिबन भाई, यार ऐसे मत करो यार, तुम ढीला कर रहे हो तुम नेट को। अरे जान मुझकी, ये पार्ट सबसे आगे लगाऊंगा फ्रंट में, बाकी अपना नेट ये रहा कुछ बंधा हुआ। देखो नेट तो भाई बड़े खतरनाक, अभी इधर का पूरी सेटिंग करनी, इधर की सेटिंग नहीं करी, फ्रंट की बिल्कुल पूरी सेटिंग कर दी है अच्छे से, और अभी यहाँ से कर रहे हैं ऊपर से। कबूतर कहीं से भी ना निकल पाए भाई, बहुत महंगे कबूतर हैं, कहीं से भी ना निकल जाए, एक गैप नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। कर रहे हैं भाई धीरे धीरे, आपको दिखाते हैं आगे चल के। क्या खिलाएंगे, खिलाएंगे समोसे खिलाएंगे 6 रुपए वाले। शकल ही नहीं दिख रही भाई, Thank you.
अच्छे अच्छे से रखते जाओ भाई, बिल्कुल खतरनाक काम होना चाहिए। और भैंस की यहाँ कहीं जगह मत छोड़ना, कहीं से भी एक भी परिंदा निकल जाए। परिंदा नहीं निकलना चाहिए भाई, वरना आतंक मच जाएगा एरिए में। ऐसा नेट लगाना, ठीक है, आराम से रखो। मोटा खींच रही है थोड़ी, खींचो मत ज्यादा वरना ऊपर से फिर वो हो जाएगा। मस्त बन गया भाई। रख रख रख, चलो भाई कंटिन्यू करते हैं जब पूरा लग जाता है नेट। ओके दोस्तों, तो फाइनली हमारा जो नेट है कंप्लीट हो चुका है, पूरा हमने लगा दिया। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, और अभी ये मैंने यहाँ पे छोड़ रखा है। यहाँ से कबूतर हम अपने परंत वाले जो उड़ाते हैं उन्हें निकालेंगे, और यहाँ से हम भी निकलेंगे, मतलब पानी वानी के जो भी डालना होगा यहाँ से निकाल के डालेंगे। और यहाँ से थोड़ा सा छोड़ रखा है सीढ़ी की तरफ से, यहाँ से हम ऊपर मतलब नीचे से ऊपर आएंगे जाएंगे। और बिल्कुल हमने कर दिया है भाई, कबूतर खोलना ज़रूरी है, इसीलिए जैसे तैसे हमने बस रगड़ दिया है। ये देखो भाई, ये रहा अपना पूरा नेट। कैसा लगा भाई नेट? ये हमारा मिस्त्री है राजू मिस्त्री। नंबर नंबर क्या है आपका? डिस्क्रिप्शन में। तो भाई देखो, ये रहा अपना पूरा नेट जो कि है लग चुका है। और बाकी अभी कबूतर खोलते, खोले कबूतर। ये देख लो भाई पूरा अपना नेट। बाकी डिटेल में बताता हूँ कितना खर्चा आया, कैसे क्या हुआ है, ठीक है, सब कुछ बताता हूँ। थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। ओके तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो जाल का पूरा काम है पूरा कंप्लीट हो चुका है। और मैंने आपको बोला था कि लास्ट में वीडियो को मैं बजट बताऊँगी कैसे क्या, मतलब मेरा बजट था मतलब 1000-1200 रुपये में लग जाएगा, मुझे इतना अंदाज़ा था। तो मैं आपको बताता हूँ कितने कितने रुपये की कौन सी जाली। जैसे कि पहले आपको जाली दिखा दूँ, मैंने आपको तो दिखाई दी। तो ये वाली है ना पुरानी वाली जाली, जैसे पुराने में कबूतर ला के खोलता था ना, तो वो यहाँ से लेके बस यहीं तक लग पाती थी और कबूतर खुलते थे। तो ये वाली जो है मैं 380 रुपये की लेके आया था, ये 280 रुपये की लेके आया, और 280 रुपये की ये लेके आया। ये मुझे पता नहीं क्यों इतनी महंगी पड़ी। तो ये अपनी पूरा जाल है, ठीक है, ऐसी जल्दबाजी में हमने लगा दिया, ठीक है। ये देखो, और पूरा पैक कर रखा, कहीं से भी कबूतर निकल ही नहीं सकता भाई, ठीक है, पूरा पैक कर रखा। ये देखो जाल, ऐसी जल्दबाजी में मैंने लगा दिया। और अब आप लोग बोलोगे मनीष भाई आपने लगाए किस लिए, तो आपके पास तो गोले कबूतर भी नहीं है, आपने लगाए किस लिए? तो भाई ये वाले जो कबूतर है ना, ये वाले कबूतर ये कभी बाहर खुलते नहीं है, तो इसलिए मैंने जाल लगाया था। तो अब इन्हें खोलते हैं, ठीक है, फटाफट से। और आप लोग भी देख लेना कितने दिनों बाद खुल रहे हैं कबूतर। कितने सारे कबूतर है इसके अंदर, ऐसा सा है कुछ नजारा अपना। बाकी आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ छत के कि जाल कैसा लग रहा है, ऊपर से भी, इस तरफ से भी, नीचे से भी, कि जाल लग कैसा रहा है, ठीक है। तो भाई अभी हमने डाल दिया अपने कबूतरों को दाना, ठीक है। और मैं आपको दिखाता अपने लॉफ्ट के अंदर चल के। ये देखो भैया, हमारा जो पूरा लॉफ्ट है खाली हो चुका है, एक कबूतर नहीं है अंदर। और आप थोड़ा अंदर से नजारे लो कैसे आ रहे हैं, ठीक है। और अपना
तो बस दोस्तों यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई ये हमारे सारे कबूतर खुले हुए हैं, कुछ अंदर हैं कुछ बाहर हैं और कुछ ये नज़ारे आ रहे हैं नेट के। मज़ा बहुत आ रहा भाई मुझे तो नेट में कबूतर खोलने में। अभी ये नेट एक महीने ऐसी लगा रहेगा, और ये देखो भाई अलग ही नज़ारे आ रहे हैं कबूतर खोलने में, ठीक है। तो भाई यही थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। टोटल कितने का हुआ है, 920 रुपए का ना, 920 या 940 ऐसी कुछ रुपए का हमारा पूरा नेट आ गया। मतलब भाई अंदाज़ा मैं 1200 रुपये पकड़ के चल रहा था कि इतने में हो ही जाना चाहिए, और अपना 1000 के अंदर ही हो गया ना। 280 ये पता नहीं क्यों महंगा मिला यार। तो इतने का हमारा पूरा नेट है लग गया, ठीक है। और जल्दबाजी में लगाया तो कोई जज मत करना भाई, कबूतरों की जान बचानी जरूरी है। धूप नहीं लगती भाई, 1 बजे तो धूप आती है, धूप जब तक इधर चली जाती है इसके अंदर लगती नहीं, इसलिए मैंने नेट लगाया कि अपना नेट में खुलेंगे कबूतर, अपना वीडियो भी बन जाएगी जो कलेक्शन की अपनी वीडियो बनानी है, और लॉफ्ट वगैरह भी साफ़ हो जाएंगे, मतलब एक प्याले वगैरह और अंदर जो भी अपना वो करना है कर लेंगे, मतलब जो भी टूटा फूटा उसको रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो अपने सभी कबूतरबाज भाइयों में वीडियो शेयर कर देना कि कोई मैंने गोले ट्रेंड करने के लिए नेट नहीं लगाया, कहीं आप सोचो मनीष भाई गोले ले आए क्या, बस ऐसे ही लगा दिया भाई, मेरा मन करा जो मन करता वही हम करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कॉमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारा ये नेट कैसा लगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।